नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैबडोर के DCB125 डायवर्टर के बारे में। यह एक 2 इनलेट और 5 आउटलेट का सिंगल लीवर कंसील्ड मिक्सर और डायवर्टर है। इसमें 2 इनलेट होते हैं और 5 आउटलेट होते हैं। हम लोग पहले समझ लेते हैं कि 2 इनलेट और 5 आउटलेट क्या होते हैं। 2 इनलेट का मतलब होता है कि जो सोर्स से पानी आ रहा है वो इसमें दो टाइप का आएगा, एक ठंडा जो कि आपके टैंक से आएगा, दूसरा गर्म जो कि गीजर से आएगा। उसके बाद जो डायवर्टर होता है वो उसको 5 फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। पांचों फंक्शन अलग अलग होते हैं। अब जो 5 फंक्शन होते हैं हम उन्हें समझ लेते हैं। जब भी हम लोग बाथरूम बनाते हैं तो हमारे बाथरूम में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, जैसे हमें स्पाउट भी चलाना है, हमें टाइल पे बॉडी जेट शावर भी लगाने हैं, हमें हैंड शावर भी चलाना है, हमें ऊपर जो सीलिंग शावर लगना है वो भी 3 फंक्शन का चलाना है जिसमें अलग अलग फ्लो का पानी आए। तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोविज़न बनाया, उन्हें एक सिंगल डायवर्टर बनाया है। वो जो डायवर्टर है वो आपके पानी को मिक्स भी कर देगा, ठंडा गर्म, और 5 अलग अलग फंक्शन में उसको डाइवर्ट भी कर देगा। तो ग्रैबडोर का जो DCB125 वाला मॉडल है ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये ग्रैबडोर का DCB125 का डायवर्टर है। इसमें यहाँ पे ऊपर ग्रैफ्टी लिखा हुआ है। पहले हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम था वो ग्रैफ्टी था, अभी ये ग्रैबडोर के नाम से आता है। तो जो डायवर्टर होता है ये 2 पार्ट में होता है, एक इसका अपर पार्ट होता है, दूसरा इसका कंसील्ड पार्ट होता है। कंसील्ड पार्ट दीवार के अंदर लग चुका होता है, वो वॉल में फिनिशिंग में होता है अंदर। बाकी अपर पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है, जिसको हम एक्सपोज पार्ट भी कहते हैं। अगर मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊं तो इस टाइप से होता है। ये हमारे बॉक्स के अंदर डायवर्टर आता है, इसको हमारे जो प्लम्बर भाई होते हैं वो दीवार के अंदर कंसील्ड कर देते हैं। उसके बाद ऊपर से ये अपर पार्ट लगता है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। एक बार मैं आपको इसका वर्किंग समझा देता हूँ डायग्राम में। ये हॉट वाटर है, यहाँ पे हमारा जो गीजर से कनेक्शन आएगा वो कनेक्ट हो जाएगा। ये कोल्ड वाटर है, जो हमारा टैंक से पाइप का कनेक्शन आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके 5 आउटलेट हैं। जो नीचे वाली नोब है, जो ये नीचे वाली नोब है, इस पर 2 आउटलेट हैं। एक से 4 बॉडी जेट चलेंगे, एक से हमारा स्पाउट चलेगा। बाकी जो ऊपर वाली नोब है, इस नोब से 3 आउटलेट हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हैंड शावर चला सकते हैं, या ऊपर 3 फंक्शन का जो सीलिंग शावर आता है वो चला सकते हैं। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसा हमने डायग्राम में देखा सेम उसी तरह ये अपर पार्ट है। इस अपर पार्ट में जो नीचे वाला नोब है, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर के कनेक्शन जुड़े होते हैं। ये हमारा सिंगल लीवर होता है और मिक्सर होता है, इसके अंदर कार्ट्रेज लगी हुई है जो पानी को मिक्स करती है। अगर आपको हॉट वाटर चाहिए तो आप इसको रेड की तरफ, हॉट वाटर की तरफ करके ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स पानी चाहिए तो आप इसको बीचों बीच में उठा सकते हैं, और अगर आपको ठंडा पानी आउटलेट से चाहिए तो इधर करके इसको हम लोग ऐसे उठा सकते हैं। इसका काम होता है एक तो इसको ऑन करना, दूसरा पानी को मिक्स करना। ऊपर 2 नोब लगे हुए हैं, एक पे 2 आउटलेट है, एक पे 3 आउटलेट है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं बॉडी जेट लगे हुए हैं। ये 4 बॉडी जेट एक फंक्शन पे सेट है, आउटलेट नंबर 1 पे। नीचे स्पाउट लगा हुआ है। ये स्पाउट अभी हम चला के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस पर हमारा एक सेंसर लगा हुआ है जो अभी उसको चलने नहीं देगा। तो यहाँ पे 2 आउटलेट हो गए, एक बॉडी जेट और दूसरा स्पाउट। बाकी ऊपर हमारा सीलिंग शावर लगा हुआ है। सीलिंग शावर हमारा 3 फंक्शन का है। इसमें आप देख सकते हैं अगल बगल में 2 वाटरफॉल है, बीच में 4 मिस्ट लगे हुए हैं और रेन शावर है। तो ये 3 फंक्शन का सीलिंग शावर है। आइए अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले हमने सिंगल लीवर को ऑन करा, ये ऑन हो गया। ये हमने बीचों बीच में ऑन करा है मिडिल में, तो इसमें मिक्स पानी आएगा। अब यहाँ पर हमने अपना फंक्शन 1 चालू करा है। फंक्शन 1 में जैसे यहाँ पे हमारा वाटरफॉल है, तो आप देख सकते हैं वाटरफॉल का मतलब होता है जैसे पहाड़ों में झरनों से पानी गिरता है, उस टाइप से इसका पानी का फंक्शन होता है। तो ये 2 वाटरफॉल वाला सीलिंग शावर है, तो 2 तरफ से इसमें पानी आ रहा है वाटरफॉल। इसको हमने बंद कर दिया। अब अगला फंक्शन, जैसे हमने इसमें बॉडी जेट सेट कर रखा है, तो ये बॉडी जेट है। बॉडी जेट जो होते हैं वो टाइल्स पे लगते हैं, ये टाइल के अंदर लगते हैं और इसका अपर पार्ट टाइल पे फिनिश होता है। ये हमारी बॉडी को काफ़ी रिलीफ देते हैं, मसाज वाली फीलिंग देते हैं। 4 बॉडी जेट हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम में, तो हमारे एक फंक्शन पे ये 4 बॉडी जेट चल रहे हैं। ये हमने जो नीचे 2 आउटलेट वाली नोब है
उसका यूज़ करके देखा। अब हम थ्री आउटलेट वाली नोब का यूज़ करके देखेंगे। एक्चुअली इसमें हमारा स्पाउट नहीं है अभी कनेक्ट, तो इसमें से हमें दो ही आउटलेट दिखेंगे और वो ऊपर सीलिंग सावर पे दिखेंगे। तो ये हमारा रेन सावर हो गया, ये रेन सावर चल रहा है। बरसात की तरह पानी की बौछारें इसमें आती हैं, इसे रेन सावर कहा जाता है। अब मैं अगर इसका फंक्शन चेंज करता हूँ, ये मिस्ट है। मिस्ट जो होता है वो पानी की बौछारों जैसे होती है। इसमें चार मिस्ट लगे हुए जो पानी की बौछारें दे रही हैं। तो दोस्तों ये था ग्रैबडोर का 5 आउटलेट का डायवर्टर, जिसके साथ हमने सीलिंग सावर, बॉडी जेट, स्पाउट को यूज़ करना भी सीखा और ये कैसा काम करता है ये भी सीखा। धन्यवाद।